वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक जबरदस्त मूवी को लेकर आया हूँ। वही जिसका आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, गार्गी, जिसमें साई पल्लवी मोहतरमा ने बहुत ही बेहतरीन सा काम किया। सच में यार मूवी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है। एक्चुअली मैं इस वीडियो को ट्रेलर के इमेजेस को यूज करते हुए बना रहा हूँ, क्योंकि कैमरा पिन तो मैं यूज नहीं कर सकता। वीडियो बनाने के बाद मुझे ये बात पता चली कि मूवी सोनी लाइव प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, ये अब तक रिलीज हो चुकी होगी, सो इसी वजह से ज्यादा स्टोरी बेस्ड इमेजेस देखने को नहीं मिलेंगे, वरना मैं इस मूवी को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला था। खैर चलिए फटाफट से मैं आपको इस मूवी की समरी बता देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार फ्रॉम इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही साई पल्लवी मतलब गार्गी को दिखाया जाता है। गार्गी की बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली होती है। गार्गी किसी स्कूल में एज ए टीचर की तरह काम करती रहती है। उसी तरह गार्गी की शादी आनंद नाम के एक बंदे से फिक्स हो चुकी होती है। कुछ दिनों बाद इन दोनों की शादी होने वाली होती है। खैर एक दिन गार्गी अपने स्कूल आकर लंच आवर में लंच करते हुए पेपर्स को करेक्शन करती रहती है। तभी टीवी में ये न्यूज चलने लगती है कि 9 साल की बच्ची को 5 लोगों ने किसी अपार्टमेंट में अत्याचार किया। उन पांचों में से 4 नौजवान थे, बाहर के लोग थे। पांचवां बंदा उसी अपार्टमेंट का वॉचमैन है। ये न्यूज सुनने के बाद गार्गी उसके कोलिग्स इसी न्यूज के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। ये एक दूसरे में ये कहने लगते हैं कि ऐसे अत्याचार करने वालों को फांसी होनी चाहिए। खैर शाम होने के बाद गार्गी अपने घर आती है। अपने घर आने के बाद गार्गी ये ऑब्जर्व करती है कि घर में इसका फादर और उसकी छोटी बहन नहीं है। गार्गी यही बात अपने माँ से पूछने लगती है। इसकी माँ गार्गी को बताने लगती है कि तेरे पापा अभी भी ड्यूटी से नहीं आए और छोटी बहन बाहर खेलने के लिए गई। थोड़ी देर बाद गार्गी की छोटी बहन वापस अपने घर आती है। गार्गी अपनी छोटी बहन को डांटने लगती है कि रात होने के बाद तुमको बाहर क्या काम, इतनी देर कहाँ पर थी। गार्गी की छोटी बहन गार्गी से कहने लगती है कि दीदी जब मैं वापस घर आ रही थी, शांति अपार्टमेंट्स के पास काफी सारी भीड़ लगी थी, पुलिस भी थी वहाँ पर, इसीलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। यह सुनने के बाद गार्गी और उसकी माँ शॉक में रह जाते हैं, क्योंकि गार्गी का फादर उसी अपार्टमेंट में एज ए वॉचमैन की तरह काम करता रहता है। गार्गी फौरन अपने फादर को कॉल करती है, उसका फोन नहीं लगता। गार्गी फौरन घबराते हुए उस अपार्टमेंट के पास जाती है। तब तक वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब वही पर एक कांस्टेबल होता है। वो कांस्टेबल गार्गी से कहने लगता है यहाँ के सारे लोगों को इंक्वायरी करने के लिए पुलिस स्टेशन ले गए। गार्गी फौरन पुलिस स्टेशन को जाती है। गार्गी को पुलिस स्टेशन में देखकर वहाँ की कांस्टेबल गार्गी से कहने लगते हैं, कौन हो तुम, यहाँ पर किस लिए आई हो। गार्गी कहने लगती है कि मेरे पापा शांति अपार्टमेंट्स में ही काम करते हैं, एज ए वॉचमैन की तरह। मेरे पापा का नाम है ब्रह्मानंदम। ब्रह्मानंदम का नाम सुनते ही कांस्टेबल शॉक में रहते हैं। गार्गी से कहने लगते हैं कि तुम एसआई सर से जाके मिलो। गार्गी फौरन घबराते हुए एसआई के पास जाती है। अपने फादर के बारे में पूछने लगती है कि मेरे पापा कहाँ पर है, मेरे पापा को क्यों अरेस्ट किया। एसआई कहने लगता है तुम्हारे पापा को एक गैंग रेप केस में अरेस्ट किया है। गार्गी उस पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करने लगती है कि शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। एसआई कहने लगता है कि हमने सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए ही तुम्हारे पापा को गिरफ्तार किया। इस केस में शायद तुम्हारे पापा को फांसी की सजा भी मिल सकती है। अगर तुमको और जानकारी हासिल करना हो तो कल कोर्ट में आ जाना, तुम्हारे फादर को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसा कहते हुए पुलिस वाले गार्गी को वहाँ से भेज देते हैं। उसके बाद गार्गी अपने जान पहचान के भानु प्रकाश नाम के एक लॉयर को कॉल करती है। जो हुआ वो सारी बात भानु प्रकाश को बताती है। भानु प्रकाश गार्गी को दिलासा दिलाने लगता है, फिकर मत करो, तुम्हारे फादर को कुछ भी नहीं होगा, ये केस मैं ही लड़ने वाला हूँ। रात में तुम पुलिस स्टेशन में रहना अच्छी बात नहीं, तुम फौरन घर चली जाओ। खैर दूसरे दिन जब गार्गी कोर्ट को जाने के लिए अपने घर से बाहर आती है, तब तक मीडिया वाले गार्गी के घर के बाहर खड़े रहते हैं। मीडिया वाले गार्गी को अजीब अजीब से सवाल पूछने लगते हैं, जिसका कोई भी जवाब गार्गी के पास नहीं होता। गार्गी बेचारी बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील होने लगती है। कोर्ट के पास जाने के बाद गार्गी ये देखती है कि पुलिस वाले गार्गी के फादर को उसके चेहरे पर काला कपड़ा पहनाकर कोर्ट में ले जा रहे होते हैं। कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत सारी पब्लिक जमा हो चुकी होती है। यही नारा लगाने लगते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। उसी तरह वहाँ की सारी पब्लिक ब्रह्मानंदम को मारने की कोशिश करने लगते हैं। पुलिस वाले किसी भी तरह करके ब्रह्मानंदम को वहाँ से ले जाते हैं। उस वक्त गार्गी अपने फादर से बात भी नहीं कर पाती। खर्च के बाद गार्गी भानु प्रकाश के पास आकर इसके फादर के केस के बारे में पूछने लगती है। भानु प्रकाश कहने लगता है कोर्ट में उन चारों लड़कों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन सिवाय तुम्हारे फादर के सारे सबूत तुम्हारे फादर के खिलाफ ही है गार्गी, सो तुम्हारे फादर को इस केस में पक्का सजा मिलेगी। उसी तरह गार्गी, मैं ये केस नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि हमारा लॉयर एसोसिएशन यही डिसाइड किया कि कोई भी ब्रह्मानंदम का केस नहीं लड़ेगा। सॉरी गार्गी, इस केस में मैं तुम्हारी कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। गार्गी बहुत दुखी होकर भानु प्रकाश को रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो नहीं मानता। उसके बाद बेचारी गार्गी अपने घर आकर यही सोचने लगती है कि किस तरह से
इसके फादर को इस केस से बाहर निकाले। तभी गार्गी के पास इंद्रन नाम का एक लॉयर आता है जो भानु प्रकाश के पास काम करता है। इंद्रन गार्गी से कहने लगता है, अगर आपको कोई भी एतराज ना हो तो मैं आपके फादर का केस लड़ूंगा। एक्चुअली मैं एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की तलाश में हूँ, ये मेरा पहला केस है। सो गार्गी बिना सोचे समझे खुश होकर इंद्रन को ओके कह देती है। खैर दूसरे दिन जब गार्गी अपने स्कूल जाती है, गार्गी के स्कूल वाले गार्गी के फादर की वजह से गार्गी को अपने स्कूल से निकाल देते हैं। और जब यह बात आनंद और उसकी फैमिली को पता चलती है, वो लोग गार्गी की फैमिली से रिश्ता तोड़ लेते हैं। इसी दरमियान में जब गार्गी बाहर जाती, सोसाइटी के लोग गार्गी को देखकर इसके फादर के बारे में अनाप शनाप बकते रहते हैं। बेचारी गार्गी बहुत ही शर्मिंदा महसूस करने लगती है, लेकिन गार्गी इन सबको इग्नोर करते हुए अपने फादर के हक के लिए लड़ती रहती है। इसके दिमाग में यही होता है कि किस तरह से ये अपने पापा को बाहर ले आए। खैर इसी दरमियान में भानु प्रकाश को इंद्रन के बारे में पता चलता है कि इंद्रन ब्रह्मानंदम का केस लड़ने वाला है। भानु प्रकाश इंद्रन को डांटने लगता है कि तुम इस केस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, फिर भी इस केस को ले बैठे। अगर तुम हार गए तो तुम्हारा फ्यूचर सत्यानाश हो जाएगा। इंद्रन कहने लगता है, लेकिन सर हक के लिए लड़ना ये कोई बुरी बात तो नहीं है ना? मैं एक बेगुनाह को हक दिलाना चाहता हूँ। खैर दूसरे दिन कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट होती है। इस केस में मूर्ति नाम का एक लॉयर पीपी होता है, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मूर्ति एसआई को कटघरे में बुलाकर इस केस के बारे में डिटेल्स बताने के लिए कहता है। एसआई इस केस के बारे में डिटेल्स बताने लगता है कि उस छोटी बच्ची पर 5 लोगों ने अत्याचार किया, उनमें से 4 लोग अदर स्टेट के हैं और 5वां बंदा उसी अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड ब्रह्मानंदम। उन चारों में से मुकेश नाम के एक बंदे के पास एक कुत्ता है। मुकेश हर रोज अपने कुत्ते को सीढ़ियों की मदद से वॉकिंग पे ले जाया करता था। वो 9 साल की बच्ची उस कुत्ते को देखकर उस कुत्ते के साथ खेलने लगी थी। ये चीज ऑब्जर्व करके मुकेश अपने फ्रेंड्स के साथ ये प्लान किया। उन चारों ने उस छोटी बच्ची को सीढ़ियों के पास ले जाकर अत्याचार किया। एक्चुअली वो सीढ़ियाँ उतना ज्यादा यूज नहीं होती। ये करने के बाद वो चारों लोग उड़ीसा को भाग गए। उसके बाद ब्रह्मानंदम अपने ड्यूटी पर आता है। उस छोटी बच्ची को वहाँ पर पड़ा हुआ देख ब्रह्मानंदम भी उस बच्ची के साथ अत्याचार किया। उसके बाद ब्रह्मानंदम उस बच्ची को उसके बाप के हवाले कर दिया। पुलिस वाले उन चारों का फोन नंबर ट्रैक करके उनका लोकेशन पता कर लिया। किसी भी तरह करके उन चारों को पकड़कर उस छोटी बच्ची के सामने लाकर खड़ा किया। वो छोटी बच्ची इन चारों को पहचान लेती है कि इन चारों ने ही मेरे साथ कुछ अजीब का किया था। उसी तरह अपने फादर के कान में ये बोलती है कि इन चारों के साथ साथ एक और बंदा भी था। सो इंक्वायरी करने पर पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि उस वक्त वहाँ पर सिर्फ ब्रह्मानंदम ही था। पुलिस वाले ब्रह्मानंदम को उस बच्ची के सामने लाकर खड़ा करते हैं। वो बच्ची ब्रह्मानंदम को पहचान लेती है। ये सब कुछ सुनने के बाद इंद्रन उस पुलिस वाले से पूछने लगता है, क्या उन पांचों को एक ही साथ आप उस बच्ची के सामने खड़ा किया था? क्या उस बच्ची के अंदर घबराहट डर नहीं थी? वो बच्ची उन पांचों को कैसे पहचाना, थोड़ा डिटेल में बताइए। ऐसे कहने लगता है कि पहले हम उन चारों को उस बच्ची के सामने लाकर खड़ा किया, उस बच्ची ने पहचान लिया और जब ब्रह्मानंदम को पहचानने ही वाली थी वो बच्ची बेहोश होकर गिर गई। उस वक्त उस बच्ची का फादर ऐसे से कहा था कि इसकी बेटी कुछ टैबलेट्स वगैरह खाती है, आज वो टैबलेट्स नहीं लिया, इसी वजह से इसकी बेटी बेहोश हो गई। सो वो ऐसे कहने लगता है कि हमारा एक कांस्टेबल भी वही टैबलेट्स को यूज करता है। सो वही टैबलेट उस बच्ची को खिलाया। थोड़ी देर बाद वो बच्ची होश में आई। होश में आने के बाद ब्रह्मानंदम को पहचान लिया। उसके बाद इंद्रन उस बच्ची को जो टैबलेट दिया था उसके बारे में कुछ रिसर्च करता है। इंद्रन को पता चलता है कि वो टैबलेट सिर्फ बड़ों के लिए ही है, मतलब बच्चों और बड़ों के लिए डोसेज ज्यादा कम होता है ना। सो उस वक्त उस बच्ची को ज्यादा डोसेज वाली टैबलेट दिया था, जिसकी वजह से उस बच्ची को ओवरडोज हो गया। उस बच्ची का दिमाग काबू में नहीं था, जिसकी वजह से उस छोटी बच्ची ने रॉन्ग डिसीजन लिया। सो जब दोबारा सुनवाई आती है, इंद्रन यही सारी बात जज को आके सुनाता है। मतलब इंद्रन कोर्ट में ये प्रूव कर देता है कि वो बच्ची होश में रहकर ब्रह्मानंदम को नहीं पहचाना। सो सारे दलीलें सुनने के बाद जज कहने लगती है कि इस केस को दोबारा री इन्वेस्टिगेशन किया जाए। पुलिस वालों को 7 दिन का टाइम देती है और इसी तरह अगली सुनवाई में उस बच्ची के सामने ब्रह्मानंदम को लाकर खड़ा किया जाएगा, ऐसे अरेंजमेंट्स करने के लिए कहती है। उसके बाद गार्गी और इंद्रन ये दोनों ब्रह्मानंदम से मिलने के लिए जेल जाते हैं। गार्गी अपने फादर को उस हालत में देख नहीं पाती, उस साइड में हट जाती है, वो दुखी होती है। सो इंद्रन ब्रह्मानंदम से उस दिन का इंसिडेंट बताने के लिए कहता है। ब्रह्मानंदम कहने लगता है कि मैं हर रोज वहाँ पर सिर्फ 6 बजे तक ही रहता हूँ, लेकिन उस दिन नाइट शिफ्ट में काम करने वाला मेरा कोलीग मानिक्यम नहीं आया, जिसकी वजह से उस दिन की नाइट ड्यूटी मैं ही कर रहा था। तकरीबन 6:30 बजे मैंने उस छोटी बच्ची को सीढ़ियों के पास देखा, उसके फादर के पास ले गया। एक्चुअली उस टाइम पे स्टेप्स कोई भी यूज नहीं करता, सारे लोग लिफ्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। उस सीढ़ियों के पास सिर्फ मैं ही था।
अब मुझे नाइट ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा दारू पिया। उस बच्ची ने लास्ट मुझे ही देखा था, जिसकी वजह से उस बच्ची के दिमाग में यही बैठ गया कि मैं भी उसके साथ जबरदस्ती की, इसलिए वो बच्ची मुझ पर उंगली उठाया। उसके बाद इंद्रन मानिक्यम के पास जाकर ये पूछने लगता है कि उस दिन आप अपनी ड्यूटी पर क्यों नहीं गए। मानिक्यम कहने लगता है कि उस दिन मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, इसीलिए मैं ड्यूटी से ऑफ लिया। उसके बाद गार्गी और इंद्रन उस बच्ची से पर्सनली बात करने के लिए उसके घर जाते हैं, यही पूछने के लिए कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। गार्गी उस बच्ची के फादर से यही कहने लगती है कि आपकी बच्ची मेरे पापा को देखकर मिसअंडरस्टैंड कर लिया, क्योंकि आपकी बच्ची लास्ट टाइम मेरे पापा को ही देखा, प्लीज आप एक बार अपनी बच्ची से मिलवा दीजिए, इस तरह से रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर उस बच्ची का मामा या चाचा आकर गार्गी को अपने घर से बाहर ढकेल देता है। खैर दूसरे दिन कोर्ट में दोबारा सुनवाई स्टार्ट होती है। जज उस बच्ची के सामने ब्रह्मानंदम को खड़ा करके उस बच्ची से पूछने लगती है, क्या उस दिन तुम्हारे साथ अत्याचार करने में इस बंदे का भी हाथ है, इसने तुम्हारे साथ क्या किया। सो ब्रह्मानंदम को देखते ही वो बच्ची बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फौरन उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जज ये फैसला सुनाती है कि जब तक वो छोटी बच्ची ब्रह्मानंदम को देखकर नहीं पहचानती तब तक ब्रह्मानंदम को बेल दे दिया जाता है। सो गार्गी का फादर ब्रह्मानंदम वापस अपने घर आता है। अपने फादर को दोबारा अपने घर में देखकर गार्गी बहुत खुश होती है। इसी दरमियान में उस छोटी बच्ची का फादर ब्रह्मानंदम को मारने के लिए उसके घर आता है, लेकिन ब्रह्मानंदम की छोटी बेटी को देखकर इसे अपनी बेटी याद आती है, चुपचाप वहाँ से चला जाता है दुखी होकर। खैर उसके बाद ब्रह्मानंदम से मिलने के लिए उसका कुलिक मानिक्यम आता है। इन दोनों में कुछ बातें बातें होती है। इसी दरमियान में गार्गी मानिक्यम से उसकी बेटी के बारे में पूछने लगती है कि आपकी बेटी कैसी है। मानिक्यम कहने लगता है कि बेटा मेरी बेटी ने मुझको धोखा दिया, किसी लड़के के साथ वो भाग गई। गार्गी मानिक्यम से पूछने लगती है कि आप तो उसकी शादी करने वाले थे ना, कुछ लड़के वाले भी देखने आए थे। मानिक्यम कहने लगता है हाँ बेटा, उस दिन मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, इसीलिए मैंने ड्यूटी को ऑफ लिया, लेकिन मेरी बेटी ने वो रिश्ता कैंसिल करवा दिया। सो मैं बहुत दुखी होकर दारू पी के तुम्हारे फादर को कॉल किया, यही बात बताई। तुम्हारे फादर ने मुझे अपार्टमेंट को बुलाया। उस अपार्टमेंट में जाने के बाद सीढ़ियों के पास छोटी बच्ची को देखा, तुम्हारे फादर को बताया। तुम्हारे फादर ने मुझसे कहा तुमने दारू पी रखी है, ये केस तुम्हारे ऊपर भी आ सकता है, सो तुम रूम में जाके सो जाओ, मैं संभाल लूंगा। यह सुनने के बाद गार्गी को शक होने लगता है। मतलब जब गार्गी और इंद्रन ये दोनों ब्रह्मानंदम से मिलने के लिए जेल गए थे, उस वक्त ब्रह्मानंदम इंद्रन से यही कहा था कि उस वक्त सिर्फ इसका फादर ही था, हालांकि उस वक्त उस सीढ़ियों के पास ब्रह्मानंदम और मानिक्यम थे। सो गार्गी दोबारा अपने फादर से उस दिन का इंसिडेंट पूछने लगती है। ब्रह्मानंदम यही कहने लगता है कि उस दिन मैंने अकेला ही दारू पिया था, वहाँ पर मेरे सिवा कोई भी नहीं था। मतलब ब्रह्मानंदम अपनी बेटी से ही झूठ कहने लगता है। सो दूसरे दिन गार्गी उस छोटी बच्ची के सामने ब्रह्मानंदम के साथ साथ और कुछ बूढ़े आदमियों को लाके खड़ाती है, उस बंदे को पहचानने के लिए कहती है। उस वक्त भी वो बच्ची ब्रह्मानंदम पर ही उंगली उठाती है। ये देखने के बाद गार्गी शॉक में रह जाती है, बहुत फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि उस दिन ब्रह्मानंदम ने सच में उस बच्ची के साथ अत्याचार किया था। अब ब्रह्मानंदम भी जान लेता है कि इसकी बेटी को सब कुछ पता चल गया। रोते हुए गार्गी के सामने अपने हाथ जोड़ने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मतलब किसी भी बेटी के लिए उसका फादर पहला हीरो है, गार्गी के लिए भी इसका फादर एक हीरो है, लेकिन गार्गी जिसको हीरो माना वही जीरो निकला। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।